अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। बहुत ही मतलब मज़े की वीडियो है कि आप लोगों को देख के ना मज़ा आने वाला है वीडियो को। और बहुत ही लग्जूरियस वॉशरूम की जो है डेकोरेशन की थी, कैंडल जलाई थी, फ्लावर्स लगाए थे, क्योंकि भाई इस्लामाबाद में हो रही थी बहुत ही शदीद वाली बारिश। आपको नजर भी आ रहा होगा यहाँ पे बहुत ही प्यारा वेदर था। जुम्मा था तो सब ने नहा धो के नमाज पढ़ी होगी माशाल्लाह से, क्योंकि भाई सारी चीज़ें एक तरफ, नमाज लाजमी है। अच्छा, मैंने भी जो है वो नहा धो के नमाज पढ़ ली। मैंने वॉशरूम में कैंडल जलाई थी। अरोमा लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, मैं यहाँ पे क्लिप शेयर कर देती हूँ। पता नहीं मैंने कोई व्लॉग डाला था तो उससे मैंने एरोमा कैंडल लगाई थी, और सब पूछ रहे थे कैंडल कहाँ से लिए कहाँ से लिए, और मुझे याद नहीं रहा था वीडियो में बताना। तो वॉशरूम में अभी चल रही है क्योंकि मैं नहाते वक्त मैंने वॉशरूम में रखी हुई है यहाँ पे ना, तो जब मैं नहाती हूँ तो मैं हल्की सी चला लेती हूँ थोड़ी सी देर के लिए, और इतनी प्यारी खुशबू ना पूरे दिन वॉशरूम में खुशबू रहती है, बहुत ही प्यारी। इसके अंदर इनके ना काफ़ी सारी फ्रेग्रेंस आती हैं, एरोमा है, अल्कोहल फ्री है। और दूसरी बात है, थोड़ी सी देर के लिए इसको जला लें आप, उसके बाद वापस बंद कर लें आप, पूरे वॉशरूम में आपकी खुशबू रहेगी। और सब ये खुशबू जो है वो बहुत प्यारी है। इवन मैं अगर इनको जलाऊं भी ना सिर्फ वॉशरूम में रखे रखूँ तो इतनी अच्छी खुशबू आती है वॉशरूम में। अगर विकास बोल रहे थे कमरों में भी रखो कि इतनी अच्छी वॉशरूम से खुशबू आती है ना, क्योंकि ऐसे रोशनदान खुला होता है ना यहाँ से, और फिर यहाँ से बहुत प्यारी खुशबू आ रही होती है हवा के साथ, क्योंकि एरोमा है ना उनके अंदर, एरोमा सेंट है, तो वो हवा से भी बहुत प्यारा महक रहा होता है। तो बहुत ही फिट से ये कैंडल्स हैं। अपने वॉशरूम से रखें, किचन में रखें, कमरों में रखें, पर बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें कि बच्चे कोई आग वगैरह ना लगा दें केयरफुली। वैसे मेरे बच्चों को तो मैं डांटती रहती हूँ कि ये काम नहीं करना, तो वो काफी ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। तो आप लोग भी ये लें, बाय करें, बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसकी। ईद वगैरह पे, जैसे अभी ईद आ रही है ना, तो ईद पे लेके तो जरूर लगाएं यार, गोश्त वगैरह ईद में पूरे घर में गोश्त की स्मेल आती है यार, तो ये जरूर लगाना, बहुत कसम से। आप दुआएं देंगे मुझे कि आपने क्या चीज़ बताई थी। तो मैं अभी इनको जो है वो बुझाने के लिए आई थी वॉशरूम में। प्यारी कैंडल्स हैं यार, उफ इतनी अच्छी कोई खुशबू है ना। ये दिया इसे चाहत का मैंने बुझा दिया। प्रोडक्ट की पैकिंग आप देख लें कैसी है। इन्होंने ना अपने तमाम प्रोडक्ट की पैकिंग जो है वो चेंज की, और बहुत ही अच्छी पैकिंग रखी है इन्होंने। और बुशरा इकबाल जो है वो इस ब्रांड की ऑनर है, इन्होंने ये ब्रांड अपने वालिद के नाम पे बनाया हुआ है। उनके अब्बू जो है वो इस दुनिया में नहीं है, और मैंने खुद देखा इनको इस ब्रांड के लिए एफर्ट करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, और कैसे ये एक चीज़ खुद टेस्ट करती हैं, खुद चेक रखती हैं किसी चीज़ में कोई मसला तो नहीं है, और कोशिश करती हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ दें अपने क्लाइंट को। तो ये मेरे पास मिस्ट जो है ना, इनकी वैसे आई थिंक 5 आती हैं वो, या 6 आती हैं, बाकी गाड़ी में रखी हुई है। वकास को बेहद पसंद है, मेरी कज़न ने मेरे से मंगवाई है ये, वो परसों आई थी जब केराटिन करवाने, आप लोगों ने स्टोरी देखी होगी तो वो ले गई है अपनी सारी, वरना मैं वो भी दिखाती, डब्बे वगैरह भी उसके पास हैं। बहुत ही आला मिस्ट है यार, आप अपनी गाड़ी में लाजमी रखो, क्योंकि गर्मी है, पसीना आता है, मर्द हो औरत हो तो आप इसको लगाओ, आपकी बॉडी से ना फ्रेग्रेंस आएगी। अस्सलामुअलैकुम माशाल्लाह। तो ओके, अभी तो हम लोग घर के कुछ काम से आए हुए थे। अब हाज अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। आप अब हाज हो, आपका नाम क्या है? अब हाज इसका नाम। अच्छा, ये मेरा सबसे छोटा पीस है माशाल्लाह, जिनको नहीं पता उसको उनको बता रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा, बल आज भी बात करना चाहता है, करो। ये बड़ा पीस है। ओके, तो अभी हम लोग आए हुए थे बाहर, इतनी गर्मी पसीने पसीने हो गए मैं, और शुक्र है गाड़ी के अंदर जो है ना हम लोगों ने मिस्ट वगैरह रखी होती है आई के ऑर्गेनिक की ना, ये कूलिंग मिस्ट है, और इसको आप ऐसे स्प्रे कर लो ना, बहुत एक तो ठंडी ठंडी सी ना आपको ना ठंडक मिलती है, दूसरी चीज़ से खुशबू बड़ी प्यारी आती है। तो वकास से तो घर पर ही लगा ली थी, मैंने नहीं लगाई थी, अब शुक्र है गाड़ी में रखी थी तो मैंने लगा ली, और गाड़ी के अंदर भी इससे बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ है ना, गाड़ी बंद रहती है, जब गाड़ी खोलो एकदम से तो अजीब सी स्मेल आती है गाड़ी से, उसको लगाओगे सही कूलिंग इफेक्ट देती है आपको। मुझे ना इसके अंदर ये वाली और ये वाली खुशबू बेहद पसंद है, और ये तो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, और इसकी प्राइजेस भी इतनी हाई नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए टेस्टर्स भी अवेलेबल है, मिस्ट भी जो है अभी टेस्टर्स में आई है, और ये जो इतर है ये वाले जो बड़े वाले हैं आईक्यू एरोमा फ्रेग्रेंस, ये भी टेस्टर्स में आए हैं, और ये टेस्टर काफ़ी सस्ता है, मेरा कोड भी है इस पर। लेकिन ये वैसे ना काफ़ी लोगों ने इसका रिव्यू दिया था मुझे कॉमेंट में, काफ़ी थैंक यू इसको रिकमेंड करने के लिए, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, और 16 घंटे जो है ना इसकी खुशबू लास्ट करती है। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपके साथ इनके ये इतर शेयर करती हूँ। ये 100% नॉन अल्कोहलिक है, मैंने नमाज पढ़ने से पहले भी लगाया, ये 3 मेरे पास जो है वो पैक पड़े हुए हैं। ये एक्चुअली मैंने मंगवाए थे जब मैं उमरे से आई थी ना, तो ये मैंने खुद खरीदे थे गिफ्ट देने के लिए सबको ना, मैंने वहां से नहीं खरीदे थे, मैंने कहा मैं अपने पाकिस्तान जाके खरीदूंगी ताकि मेरे पाकिस्तानी ब्रांड्स को सपोर्ट हो। मैं आपको ना उमरे वाली वीडियो भी दिखाऊंगी। धूप है ना बहुत शदीद, सनस्क्रीन भी लगा लें, इधर लगाना सिर्फ। अच्छा, वकास जो है ना वो लेकर आए थे ये आईक्यू ऑर्गेनिक का एरोमा फ्रेग्रेंस रोलर, क्योंकि ये जो है ना वो है ना, ये हाथों पे लगा के लगाएं, ये जो है ना वो है अल्कोहल फ्री, एहराम के वक्त पाबंदियों से बाहर आ गए हैं। इसका नाम क्या है आपके वाले का, मैं निकालती हूँ एक सेकंड।
पैकिंग कितनी प्यारी है, अंटार्कटिका अंटार्कटिका कूल। ये ले ऐसे प्रेस करो तो यहाँ से निकलता है, हाथों पे ले लें और लगा लें। आह कितनी अच्छी खुशबू है, बहुत ही भीनी से खुशबू है। तो बहुत बेहतरीन क्या उसके जीएसटी की सिलेक्शन हो गई थी, फिर पापा के इलेक्शन सर पर आ गए थे, अभी उसकी जीएसटी की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, तो कोई ना कोई इशू बन ही रहा है। वो ईद के बाद का कह रहे थे कि आने का, तो वो आएंगे तो ये मैं उनको दूंगी, ये मैंने उनके लिए लिए थे क्योंकि ये नॉन अल्कोहलिक है, क्योंकि मेरे भाई और मेरे पापा पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं। मेरा भाई जो था ना वो रमजान में माशाल्लाह से तरावी भी कराता है मस्जिद में ना, वो उसने कुरान शरीफ के कुछ पारे हिफ्स किए हुए हैं, वो हिफ्स कर रहा है साथ साथ, तो ये मैंने उनके लिए गिफ्ट्स लिए हैं। और भी हैं ये, तो मेरे तीन भाई हैं, तो तीनों भाइयों का, पापा का, मेरे सिस्टर्स का, सबका गिफ्ट है, मेरे बहनोई का। अच्छा खुला हुआ जो है ना वो मैंने अपने ये बेड के ना साइड पर रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से निकाल के, जब हम लेटे होते हैं ना अक्सर आपके बच्चे हैं पैंपर वगैरह गंदा करते हैं, तो उन्हें खुशबू निकालो खुशबू निकालो खुशबू निकाला खुशबू निकाला, तो वो ना इसको ना तकिए पे लगाते हैं और पर्दों पे लगाते हैं, इतनी प्यारी खुशबू आती है। हाँ इसका वो मिस्ट भी ले गई है गाड़ी के, उसे मंगवाई थी मेरे से स्पेशल बोल के भाभी मेरे लिए मंगवाई। हाँ ये नहीं खोलो ना, ये तो मुईद लोगों के पड़े हुए हैं सालों के यार। अच्छा। उनके गिफ्ट आपको पता है रहते हैं ना उम्रे वाले, ये वाला ले लें, वो ऑलरेडी जो ड्रॉ में पड़ा हुआ वो यूज कर लें, आपने लगाना है तो। ये बहुत अच्छा है, वकास भी लगाते हैं, वकास उम्र पे भी यूज किए थे हम जब, ये ट्रैवल के लिए बहुत जबरदस्त। हाँ और वो जो गाड़ी में रखे हुए आपने नहीं भी, हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ। तुमने बाथरूम वाले भी दिखाओ, वो दिखा दिए मैंने कैंडल्स, वकास जब वो बंद होती है तो भी खुशबू आती है ना। हाँ बड़ी देर तक आती है ना, बड़ी जबरदस्त चीज बनाई है ना, इसकी खुशबू काफी देर तक रहती है और बहुत ही डिसेंट खुशबू है, ये भी नहीं कि बहुत गंदी खुशबू, प्यारी सी खुशबू, मजा आता है, एरोमा फ्रेग्रेंस है और दिमाग को सही सुकून मिलता है। मैंने देखे पूरा कमरा वगैरह सेट करके, वहां पे भी कैंडल्स लगाई थी, अभी मैंने उठा दी है कैंडल्स, और वॉशरूम में भी लगाई थी, और ना बस मैं ये लगाना भूल गई थी। मुझे होता है कि वकास घर आए ना, वकास के घर आने से पहले घर साफ सुथरा और महक रहा हो, वकास थके आ जाते हैं तो वो ना तंग ना हो कि यार घर इतना गंदा हुआ है, मेरी कोशिश होती है घर साफ सुथरा रखूं। बेबी कोई प्यार करने वाली माशाल्लाह मैं हूँ, ये रिकमेंडेड चीज है, सबसे ज्यादा इसकी खुशबू मुझे अंटार्कटिका की। हाँ मुझे बहुत पसंद, मुझे लव एंजल की भी अच्छी लगती है। सबके सामने अंडरआर्म्स पे लगा रहे हो, मैं कपड़े पहने कौन सा नंगा सही है, पूरे कमरे से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है यार, सीरियसली रिकमेंडेड है। लाइक 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 कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, शेयर की जरूरत नहीं लाइक जरूरी है, क्यों शेयर की जरूरत है यार, शेयर करेंगे पैसे आएंगे। अच्छा अच्छा पैसे शेयर भी करनी है, अच्छा शेयर डबल वार करनी है, अच्छा व्यूज अच्छे आएंगे तो पैसे अच्छे आएंगे, तो पैसे अच्छे आएंगे तो घर जल्दी बनेगा मेरा भी। लेकिन लाइक से रिकमेंड में आप घर की तरफ जाओगे, घर की तरफ शायद चक्कर लगे, मैंने विजिट करवा दो ना, कितना काम है, मैंने जाना है कुछ काम है बाय, सामान लेना कुछ। चलो ठीक है मैं वकास के साथ जा रही हूँ, मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, आप लोग वहाँ से बाय करना, बाय।